Hello students, welcome back. Let's move ahead. We are learning about pollution, environmental pollution and their control. Air pollution हमने discuss किया. Let's say now we'll discuss about water pollution. तो water pollution is again जैसे air quality ख़राब होती है उस तरीके से water pollution से water quality gets degraded. Okay. is simply the degradation of quality of water due to addition of multiple substances. वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, समटाइम्स रेडियोलॉजिकल भी हो सकते हैं. ठीक है, अदर फैक्टर्स सो दैट दे बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन यूज और ग्रोथ ऑफ इवन प्लांट्स. Okay, so it is decreasing or degrading the quality of water bodies due to addition of substances so that it becomes unfit for living organisms. Ek line mein bol de to living organism mein kuch bhi aa jayega, humans, other animals, plants, microorganisms, whatever. ठीक है, इसको दो तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द सोर्स. कैसे? एक तो मैंने बताया बायोलॉजिकल, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमेंथ, एल्गी, ये सब आ जाए तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण वाटर पॉल्यूट हुआ. केमिकल, ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि DDT वगैरह, BHC, ठीक है, PCBs होते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफेनाइल्स, बहुत सारे मेटल्स जैसे आर्सेनिक, लेड, निकल, मर्करी, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, फ्लोराइड्स. एंड देन द फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि हॉट वाटर, ऑयल स्पिल्स, जैसे अभी ऑयल स्पिल्स मतलब जैसे सी टैंकर्स होते हैं जो दूसरे देशों से ऑयल वगैरह लेके आते हैं. स्पिल का मतलब क्या होता है? निकल के बाहर गिर जाना, स्पिलिंग. तो टैंकर वगैरह जो बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं, जो जैसे इंडिया में ऑयल वगैरह कहाँ से आता है? दुबई वगैरह से आता है, ईरान से आता है, तो समंदर के रास्ते आते हैं. तो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा का पूरा ऑयल गिर जाता है समंदर वगैरह में, तो पॉल्यूट हो रहा है, दैट इज़ ऑयल स्पिल. ठीक है, सोर्सेज नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन के कारण सॉइल जाके बह जाए, लीचिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, जो फॉस्फेट, नाइट्रेट, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो हम देखते हैं वो बह के चले जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह चला जाए. ठीक है, तो ये सब नेचुरल सोर्सेज हुए. दूसरा क्या सोर्स हो सकता है? ह्यूमन मेड, मतलब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मैन मेड. डोमेस्टिक वेस्ट्स होते हैं, सीवेज के वेस्ट होते हैं, सोप्स, डिटर्जेंट्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जैसे आप बोलते हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, वेस्ट फ्रॉम एनिमल शेड्स, जो स्लॉटर हाउस वगैरह में एनिमल्स को काटा वगैरह जाता है वो सब नदी में ही बहाते हैं. ऑयल पॉल्यूशंस, बोट्स, शिप्स, ये सब तो पॉल्यूट ही कर रहे हैं. ठीक है, अब इसमें मैन मेड वाले में एंथ्रोपोजेनिक में क्या है? सबसे बड़ा सोर्स तीन चार जैसे बोल सकते हैं, म्यूनसिपल वाटर वेस्ट, जो हमारे घरों से डोमेस्टिक हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, डिटर्जेंट के, किचन के, ये सब म्यूनसिपैलिटी वाले इकट्ठा करते हैं या फिर म्यूनसिपैलिटी के नाले वगैरह से चले जाते हैं. राइट, ये सब जाके फिर कहाँ बहते हैं? लेक्स में, रिवर्स में डंप किया जाता है. तो इसके अंदर दोनों चीज़ होते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं. तो बायोडिग्रेडेबल जो होंगे वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे. तो दे विल बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स. घरों से निकल रहा होता है, वेस्ट होता है, तो उसमें फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं. दैट कॉजेज वन प्रॉब्लम, दैट इज़ कॉल्ड यूट्रोफिकेशन. वो हम पढ़ेंगे क्या है वो. फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं वो और ज़्यादा खतरनाक होते हैं घरों के वेस्ट के अलावा. बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं. ठीक है, ये सब जाके वाटर बॉडीज़ में ही रिलीज़ किए जाते हैं. फिर सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ मीन्स जैसे बारिश वगैरह हुई, एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह पे हम लोग पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो बारिश के पानी के साथ वो भी बह के जाके गिर जाते हैं नदियों वगैरह में, तालाब वगैरह में. दैट इज सरफेस रन ऑफ, जिसको आप लीचिंग भी बोलते हो. एंड ऑयल स्पिल्स, मतलब ऑयल टैंकर्स, शिप्स, ऑयल की जो ड्रिलिंग होती है, रिफाइनरीज होते हैं, वो सब भी ऑयल को जो क्लीन वगैरह करते हैं उनका भी जो वेस्ट इकट्ठा होता है, दैट ऑल गोज़ इन टू द वाटर बॉडीज़. ठीक है, तो ये सब सोर्सेज हैं. फिर अगर किसी जिस सोर्स से स्टार्ट हुआ और डायरेक्टली जाकर वाटर बॉडीज़ में गिरा वगैरह, उसे सब क्या बोलते हैं? पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट्स. हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही देखा था. ठीक है, एंड सरफेस रन ऑफ क्या हुआ? नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट. क्यों? क्योंकि वो बहते हुए कहीं दूर जाके गिरता है. पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट्स जैसे इंडस्ट्रीज़ का, घर का, ये सब
पॉइंट सोर्स पॉल्यूशंस हो गया, ठीक है। अब थोड़ा हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक वेट्स और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वगैरह में क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, ठीक है। तो डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर क्या क्या ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, फूड रेसिड्यू होता है, सोप्स, डिटर्जेंट, एनिमल शेड्स, स्लॉटर हाउस के शेड्स, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, तो ये सब क्या होता है। इसमें आप देखोगे तो 99.9% वाटर होता है और 0.1% दूसरी चीज़ें होती है, लेकिन वो 0.1% भी काफ़ी कुछ कर सकता है। उसके अंदर कॉन्टामिनेंट जैसे कि पैथोजेंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे टाइफाइड के, डिसेंट्री के, डायरिया के, कॉलरा के, अमीबिया से, ये सब के बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस, सब कुछ उसी के अंदर होते हैं, राइट। इसी कारण हम बोलते हैं कि इकट्ठा नहीं करना है। जो वाटर की क्वालिटी होती है, इन बैक्टीरिया के नंबर को काउंट करके भी पता लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, कोलीफॉर्म एंटेरोकोकस बैक्टीरिया, वाटर में कितना डिसॉल्व हुआ है, ये बताता है कितना वाटर कॉन्टामिनेटेड है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया वगैरह जो होता है, आप देखोगे दिल्ली का एक डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें पर 100 ml 10 बैक्टीरिया, एंटेरोकोकस 21 होते हैं। मथुरा में जो यमुना रिवर है उसमें कोलीफॉर्म जो दिल्ली में 10 है वो बढ़ के हो जाता है 84,000, खुद सोच लो, पर 100 ml में 84,000। दिल्ली के में वही यमुना रिवर है वहाँ पर सिर्फ 10 बैक्टीरिया है। आगरा में दैट गोज़ अराउंड 2,40,000 कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पर 100 ml में ही। तो सोच सकते हो किस तरीके से पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो जा रहा है अलग अलग एरियाज़ में। देन उसमें सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ भी होते हैं, सॉइल के, सिल्ट के, सैंड के, क्ले के, ये सारी चीज़ें होती हैं, सब उसमें नदी के ऊपर नीचे जाकर सेटल हो जाता है। देन कोलोइडल पार्टिकल्स जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट, पेपर, क्लॉथ, ये सब कोलोइडल चीज़ें होती हैं, फीकल मैटर्स, एंड देन डिजॉल्व्ड सॉलिड्स जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट्स, ये सब वाटर सॉल्युबल होते हैं तो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह के हिसाब से चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है उसमें मेजोरिटी जो पॉल्यूडेंट होते हैं दे आर बायोडिग्रेडेबल, जो इसके अंदर क्या बोलते हैं डिकम्पोजर्स वगैरह होते हैं जैसे कि सीवेज, फंगस एंड बैक्टीरिया, वो खुद उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेशन या पुट्रेसिबिलिटी, क्या बोलते हैं पुट्रेसिबिलिटी, PUTRESCIBILITY, पुट्रेसिबिलिटी भी बोलते हैं इसे। अब ये जो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को, ये मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन होता है ऐसे बैक्टीरिया वगैरह करते हैं जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एरोबिक प्रोसेस है। तो होता क्या, बैक्टीरिया पानी के अंदर है तो ऑक्सीजन लेगा कहाँ से, वाटर के अंदर ही जो ऑक्सीजन है उसी को लेता है। तो जब वाटर के अंदर ऑक्सीजन वगैरह जब वो लेना शुरू करता है तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह कब होंगे वाटर बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट होंगे, राइट। जितना ज़्यादा पॉल्यूटेंट होगा उतना ही ज़्यादा इनका अमाउंट भी बैक्टीरिया का बढ़ेगा उनको डिग्रेड करने के लिए। तो क्या करते हैं, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, ठीक है। हो तो अच्छा काम रहा है, जो वेस्ट है उसको डिग्रेड किया जा रहा है, लेकिन कैसे कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह है वो यूज करना शुरू कर देते हैं, किस चीज़ को, वहाँ के ऑक्सीजन को। तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो वाटर बॉडी के अंदर है उनके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इस घटना को, अब जो उसकी घट गई वाटर की, सॉरी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स वाटर का, ये ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इस चीज़ को एक टर्म दिया जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD से डिनोट किया। इट इज़ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन मिलीग्राम्स फॉर 5 डेज इन 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू मेटाबोलाइज द वेस्ट। ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर लीटर ऑफ वाटर इन मिलीग्राम्स, मिलीग्राम में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है पर लीटर ऑफ वाटर फॉर कंटिन्यूस 5 डेज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड बाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू मेटाबोलाइज। अब देखो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा दैट मीन्स वहाँ पर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इंक्रीज़ इन BOD, इंक्रीज़ इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बताता है कि
वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट है, क्योंकि अगर ज़्यादा पॉल्यूटेंट नहीं होता तो ऑक्सीजन की डिमांड नहीं बढ़ती। जनरली माना जाता है कि 1500 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन की अगर डिमांड है उससे कम है तो वाटर बहुत कम पॉल्यूटेड है। अगर 1500 से 4000 मिलीग्राम पर लीटर है तक है तो दैट इज़ सपोज टू बी मीडियम लेवल का पॉल्यूशन है। एंड इफ़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मोर देन 4000 मिलीग्राम पर लीटर दैन इट इज़ सपोज टू बी बहुत ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं पानी के अंदर, तभी तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आप सोचना है ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ा, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा है। और क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा होने से उसको मेटाबोलाइज करने के लिए बैक्टीरिया वगैरह के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये आप एक प्लॉट देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, आप देख रहे हो एक रेड से और एक ब्लू से। ब्लू वाला देखो, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम है, इसका मतलब है डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, मतलब यूज़ कम हुआ है उस समय। ठीक है, BOD बहुत कम है, ग्राउंड पर देख सकते हो ब्लू वाला जो है वो बॉटम को टच कर रहा है। कब टच करेगा, मतलब डिमांड कब कम होगा, जब डिजॉल्व ऑक्सीजन रेड वाला जो देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा मौजूद है पानी के अंदर, राइट। ठीक है, एक दूसरा भी होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑल सब्सटेंसेस। BOD क्या था, उसमें सिर्फ बैक्टीरिया वगैरह का रिक्वायरमेंट था, वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेगा। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, जितने भी तरह की इम्प्योरिटीज रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज मौजूद हैं उन सब को डिस्ट्रॉय करने के लिए जितने भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो इंक्रीज इन BOD डिनोट्स वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड। जनरली डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है एक अच्छा लेवल मेंटेन होना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल अगर 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाए दैट मीन्स पॉल्यूशन है, और 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाए मतलब वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, उस प्लॉट से आपको समझ में आएगा। अब देखिए एक चीज़ और होता है, हमने उस समय बोला था कि जैसे ही वाटर वगैरह है जो पॉल्यूट वगैरह हो रहा है तो उसमें आप नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स ये सब चीज़ें क्या हो रही है, वाटर बॉडी में डिजॉल्व हो रही है, वहाँ पर जा रही हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फेट्स के कंपाउंड सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और वो बह के पानी के अंदर जा रहे हैं। अब नाइट्रोजन फॉस्फोरस एनीवेज क्या एक ग्रोथ सब्सटेंस है, जो ग्रोथ के लिए भी जरूरी होता है प्लांट्स वगैरह के लिए। ठीक है, प्लांट्स वगैरह में आप जानते हैं नाइट्रोजन की डिमांड ऐसे भी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तरीके से पॉल्यूशन तो वाटर बॉडीज़ का हुआ ही, लेकिन साथ साथ वहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो जितने भी लोअर प्लांट्स वगैरह जो उसमें होते हैं, जैसे कि एल्गी वगैरह होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रोथ मटेरियल्स जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड कुछ दूसरे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा उसमें मौजूद होते हैं, इसके कारण उनका एक्सेसिव ग्रोथ होने लगता है। आप देखोगे कभी कभी तालाब वगैरह पूरा एल्गी से ढका होता है, पानी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है एल्गल ब्लूम, ALGL BLOOM। एल्गल ब्लूम का मतलब क्या होता है, ग्रोथ, बहुत ज़्यादा चमक रहा है, ग्रो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एल्गल ब्लूम। और ये जिस कारण से हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा न्यूट्रिएंट मौजूद था। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट क्या हुआ, इन द वाटर बॉडी नेचुरली ग्रोथ वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगा वहाँ पे सब ये प्लांट्स वगैरह का। दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, EUTROPHICATION, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो एल्गल ब्लूम इज अ रिजल्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन ड्यू टू डिजॉल्विंग हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट नाइट्रोजन फॉस्फोरस दैट लीड्स टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट एंड ड्यू टू विच द प्लांट्स मतलब लोअर प्लांट्स वगैरह ग्रो टू अ वेरी हाई लेवल। सो यूट्रोफिकेशन इज क्या है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक पैसेज ऑफ सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, रन ऑफ फर्टिलाइजर्स रिच इन फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। ऐसे जो वेस्ट वगैरह जाके हम नदियों में वाटर बॉडीज में बहाते हैं जो नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स में रिच होते हैं, वो मतलब एक तरीके से न्यूट्रिएंट हैं वो, तो प्लांट्स वगैरह का, छोटे मोटे प्लांट्स का, प्लैंकटन का, एल्गल्स वगैरह का, इन सब का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। अब होता क्या है प्रॉब्लम, एल्गल ब्लूम जो जनरली होते हैं इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो ये एल्गी ग्रो करते हैं दे आर ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं दे रिलीज सम वॉट टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो उसके कारण वाटर बॉडीज जो होता है टॉक्सिक होता है, पानी पॉल्यूटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है,
आपने एक पर रखा है टेरर ऑफ बंगाल वाटर हायसिंथ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इसको इंडिया में लाया गया था अपने अच्छे क्या बोलते हैं फ्लावर्स वगैरह के कारण, काफ़ी अच्छा अपीयर होता है, लेकिन ये ऐसा प्लांट है जो टेरर क्रिएट करता है, मतलब आतंक बना देता है जहाँ पर भी जाता है, दूसरे लोगों को यूज करने नहीं देता है सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स वगैरह, क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये न्यूट्रिएंट्स खुद ही यूज़ कर लाता है, तो दूसरों के लिए क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की न्यूट्रिएंट्स की डिमांड कम हो जाती है, जिसके कारण दूसरे ऑर्गेनिज्म मरने लगते हैं और इसका ग्रोथ हो जाता है। दैट इज़ वाई इट वॉज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल में ये सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू दिस बायो मैग्नीफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, यूट्रोफिकेशन तो मैंने डिस्कस कर दिया, मैं थोड़ा सा वेस्ट आपसे डिस्कस करूँगा, ये सब चीज़ें जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, थर्मल पॉल्यूशंस वगैरह होते हैं, म्यूनसिपल वेस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं उसमें भी जैसे कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब भी बहुत सारे हार्मफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड टॉक्सिक मेटल्स जैसे लेड, मरकरी, कैडमियम, ये सब चीज़ें उनके आउटपुट होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी वो वाटर बॉडीज़ में डिसॉल्व कर देते हैं। कॉपर वगैरह अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो फीवर, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, यूरेमिया मतलब हाई यूरिन आउटपुट और हाई ये यूरिया का कंसंट्रेशन इन ब्लड, कोमा तक लेके चला जाता है इवेंट्स को। लेड दूसरा है, लेड भी ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन लेड जो होता है क्या करता है, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करता है, अनेमिया तो करेगा ही क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बना रहा है, उसके कारण वोमिटिंग वगैरह आती है, भूख नहीं लगती है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, इट डैमेजेस लीवर, किडनी एंड ब्रेन, ये तीन ऑर्गन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है लेड। जिंक जो होता है वो भी किडनी को बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो इफेक्ट करता है एंड वोमिटिंग वगैरह। कोबाल्ट पैरालिसिस करता है, ये लो ब्लड प्रेशर करता है। फिर क्रोमियम है, क्रोमियम मोस्टली इफेक्ट्स योर नर्वस सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड किडनी। ठीक है, देन कैडमियम भी अनेमिया करता है, हाई ब्लड प्रेशर करता है, टेस्टिस को डिस्ट्रॉय करता है ये। ठीक है, तो गैमेट्स प्रोडक्शन कम हो जाता है, लीवर किडनी इन सब चीज़ों को का कैंसर वगैरह करता है। एक काम ये और करता है, कैडमियम के कारण जो हमारा बोन वगैरह होता है उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, उस डिजीज़ को बोला जाता है इटाई आउच डिजीज़। ठीक है, इसको सबसे पहले जापान में बनाया गया था, तो आउच जो लोग बोलते हैं ना उसको जापानीज़ में इटाई बोलते हैं, ITAI। तो ये किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है, इटाई डिजीज़, दैट इज़ द डिफॉर्मेशन ऑफ एस्केलेटल टिश्यूज़, मतलब कि बोन्स वगैरह, मसल्स वगैरह। ठीक है, और एक और मेटल जो पॉइजनस है, दैट इज़ मरकरी। मरकरी एनी वेज इज़ वॉट पॉइजनस होता है बहुत ज़्यादा, और ये वाटर बॉडीज़ में जाते हैं तो एनिमल्स को मारते हैं। ये जापान में एक इंसिडेंस हुआ था 1952 में, समहाउ ड्यू टू सम इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड ऑल, क्या हुआ था, बहुत सारा मरकरी को वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया गया था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण क्या हुआ, फिश वगैरह जिन्होंने इस चीज़ को खाया था वो सब के सब क्या हो गया, कॉन्टामिनेट हो गए, किससे, ए मरकरी से। ठीक है, अब जिन लोगों ने उन फिश को कंज्यूम किया उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो गई, डायरिया, पैरालिसिस, लॉस ऑफ सेंस, पैरालिसिस ऑफ लिप्स, टंग्स, लिम्स, ब्लरिंग ऑफ विजन, मेंटल रिटार्डेशन, ये सारी चीज़ें, और अल्टीमेटली डेथ होनी शुरू हो गई। इस कंडीशन को, इस डिज़ीज़ को बोला गया मिनामाटा डिजीज़, MINAMATA, मिनामाटा डिजीज़, या मिनी माटा भी बोलते हैं, MINIMATA। ठीक है, 1952 में ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ बाई मरकरी ये चीज़ हुआ था। ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो पास्ट में पॉल्यूशन के कारण हुए हैं, ये दो जो जरूर याद रखना, ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ मरकरी मिनामाटा डिजीज़ होता है या मिनामाटा डिजीज़, और कैडमिया के कारण आउच डिजीज़ या इटाई डिजीज़ होता है, दोनों जापान में ही किया गया था। जापान में ये सब चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि जापान एक टाइम पे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था 1950s 60s वगैरह में,
इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा था तो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया है बहुत ज़्यादा। फिर एक ये होते हैं इकोलॉजिकल सैनिटेशन होता है, इकोलॉजिकल सैनिटेशन, इसमें कुछ स्पेशल टॉयलेट्स यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है इको सैन टॉयलेट, इको सैन, ECOSAN, इको सैन टॉयलेट। इको से इकोलॉजिकल, सैन से सैनिटरी, इकोलॉजिकल सैनिटरी सिस्टम, ठीक है। करते क्या है इसमें, यूज़ ऑफ ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स, ठीक है, ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स यूज किया जाता है। ये बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल को सॉल्व करने का, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है उसको रिसाइकिल करके और नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है, इसे बोला जाता है इकोसन टॉयलेट्स। हमारे देश में, केरला में और विदेशों में, श्रीलंका में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इकोसन टॉयलेट, ठीक है। एक कंडीशन है, एक केस स्टडी है, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। लेट मी क्लोज दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इन द वीडियो विल ऑल्सो ये डिस्कस अबाउट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ओके, थैंक यू।